अरे भाई तूने वन पीस देखा? अरे यार क्या बंदा है भाई तू, लूफी का गियर 5 आने वाला है, तूने अभी तक वन पीस देखा ही नहीं। अभी इस टाइम ना पूरे इंटरनेट पे हर कोई बंदा बस लूफी के गियर 5 की बात कर रहा है या वन पीस की बात कर रहा है, और जिन लोग ने अभी तक वन पीस देखा भी नहीं है ऐसे लोग भी भाई लूफी के गियर 5 का वेट कर रहे हैं। और ऐसे बहुत सारे लोग हैं कि जिनने ऑलरेडी वन पीस देख लिया है फिर भी उनको गियर 5 के बारे में इतना कोई नॉलेज नहीं है, क्योंकि बहुतों को लग रहा है कि जैसा लूफी का गियर 3 या गियर 4 है वैसा ये गियर 5 होने वाला है। बट मेरे यार ऐसा कुछ बिल्कुल भी नहीं होने वाला, ये जो गियर 5 है ना कुछ ज्यादा अलग चीज होने वाली है। हमने एनिमे वर्स में ना बहुत ज्यादा अलग अलग टाइप के पावर्स देखे, जैसे गोकू का अल्ट्रा इंस्टिंक्ट हो गया, ब्लैक क्लोर से ब्लैक आस्था देख लिया, नरूटो से भाई नरूटो का अल्टीमेट फॉर्म देख लिया, लेकिन लूफी का जो गियर 5 होने वाला है ना वो इन सारी चीजों से कुछ ज्यादा अलग है। लूफी के गियर 5 को अच्छे से जानने के लिए हमको पहले उसके डेविल फ्रूट को जानना पड़ेगा, जहाँ पर वन पीस के शुरुआत से हमारा ओडा सेंसे को ज्यादा गंदे तरीके से काट रहे हैं, जहाँ पर हमको शो के स्टार्टिंग से ही बताया जा रहा है कि जो लूफी का जो फ्रूट है वो बस एक नॉर्मल पैरामिशिया टाइप का फ्रूट है, जो कि ये बस गम गम फ्रूट। फिर उसके बाद हमको चैप्टर 1044 में रिवील करा जाता है कि जो लूफी का डेविल फ्रूट है वो बेसिकली एक मिथिकल जोआन फ्रूट है, जिसका नाम कोई गम गम फ्रूट नहीं है, बेसिकली उसका नाम होता है हिटो इटोनोमी मॉडल निका, जो कि एक गॉड लेवल का फ्रूट रहता है। और वही भी हमको चैप्टर 1044 में 5 एल्डर से पता चलता है कि पूरे 800 सालों से वर्ल्ड गवर्नमेंट इस वाले फ्रूट के पीछे पड़ी है, लेकिन हर बार ये वाला फ्रूट उनके हाथ से निकल जाता है, क्योंकि जोआन टाइप फ्रूट की खुद की एक विल रहती है, इसलिए उसने अपना ओनर खुद चूज करा, जो कि था अपना मंकी डी लूफी। और हाँ, ये वाली बात को याद रखना कि सबसे पहले हमको ये वाला फ्रूट भाई शैंक्स के पास में देखने को मिला था, जिसने वर्ल्ड गवर्नमेंट से इस वाले फ्रूट को चोरी कर लिया था, क्योंकि ये बात शैंक्स और वर्ल्ड गवर्नमेंट को भी पता थी कि जो ये गमो गमो नोमी फ्रूट है ये भाई जॉय बॉय का फ्रूट है। जॉय बॉय वही बंदा है जो कि असली ओनर है वन पीस का। उसके बाद ही हम देखते कि गोल्डी रॉजर ने सबसे पहले उस वाले खजाने को ढूंढा था। अभी तक तो सबको पता चली गया होगा कि वन पीस कोई ट्रेजर नहीं होने वाला है, वो कुछ ज्यादा अलग चीज होने वाली है। ये वाला कुछ ज्यादा अलग टॉपिक है, इस पे किसी और दिन बात करेंगे। तो चलो अभी जान लेते हैं कि जोआन टाइप के फ्रूट में और पैरामिशर टाइप के फ्रूट में क्या क्या डिफरेंस है। अगर कोई बंदा एक पैरामिशर टाइप के डेविल फ्रूट को खाता है तो अपनी बॉडी की प्रॉपर्टी चेंज कर सकता है, लेकिन वो पूरा का पूरा अपनी बॉडी को एक हाइब्रिड फॉर्म में ट्रांसफर नहीं कर सकता जैसे बाकी लोग कर सकते हैं। बेसिकली वो अपने ह्यूमन फॉर्म में रहते हैं, बस उनके हाथ पैर चेंज होते रहते हैं। और दूसरी तरफ अगर कोई बंदा एक जोआन टाइप फ्रूट खाता है तो उसकी बॉडी पूरी की पूरी चेंज हो सकती है। जोआन फ्रूट की अवेकनिंग के बाद में जिसका कंज्यूमर रहता है वो अपनी बॉडी को पूरा का पूरा वो हाइब्रिड फॉर्म में ट्रांसफर कर सकता है। बेसिकली जोआन एक एनिमल टाइप का फ्रूट रहता है, जहाँ पर उसका कंज्यूमर अपनी अवेकनिंग के बाद में उस वाले एनिमल में ट्रांसफर हो सकता है। जहाँ पर हमने काइडो का हाइब्रिड फॉर्म देख लिया, यामाटो का भी हाइब्रिड फॉर्म देख लिया, बल्कि जितने सारे बीस्ट पायरेट के कमांडर है उनके सबके पास में एक जोआन टाइप का फ्रूट है। जोआन टाइप फ्रूट के हमको मल्टीपल वर्जन देखने को मिलते हैं, जहाँ पर लूफी के पास वाला एक मिथिकल जोआन फ्रूट है। जोआन में भी लूफी के पास में हिटो इटोनोमी मॉडल निका वाला फ्रूट है, जहाँ पर हिटो इटोनोमी के हमको अभी तक 4 वर्जन देखने को मिले हैं, जिसमें से हिटो इटोनोमी का सबसे पहले वाला यूजर हमको देखने को मिला जो कि अपना टोनी टोनी चॉपर। उसके बाद हमको हिटो इटोनोमी मॉडल डायबोत्सु देखने को मिला जो कि सेनगोकू के पास में है, जहाँ पर सेनगोकू अपने गोल्डन बुद्धा के अंदर ट्रांसफर हो जाता है, वो देखने को काफी ज्यादा अच्छा लग रहा था। और हिटो इटोनोमी का थर्ड मॉडल हमको देखने को मिला वानो कुनी में, जो कि है हिटो इटोनोमी मॉडल ऑन यूडो, जिसका यूजर और कोई नहीं बल्कि ओनी मारू है, जो कि लॉयल फॉक्स रहता है ओशिमारू का। जहाँ पर ओशिमारू के डेथ के बाद में वहाँ पर ओनिमारू उस वाले फ्रूट को खा लेता है। फिर उसके बाद ही हमने वानो के स्टार्टिंग के एपिसोड में देखा था कि ओनिमारू वहाँ पर एक जायंट वॉरियर मंक के अंदर ट्रांसफर हो जाता है, जो कि वानो कंट्री का ट्रेजर शूसी जोरो के पास से वापस लेने को आ जाता है। और हिटो इटोनोमी का फोर्थ मॉडल तो अपने लूफी के पास में है, जो कि है हिटो इटोनोमी मॉडल निका। चैप्टर 1044 में हमको इस वाले फ्रूट के पावर्स के बारे में भी पता चल गया था, जहाँ पर 5 एल्डर्स बोल रहे होते हैं कि इस वाले फ्रूट के जो पावर्स रहती है पूरी की पूरी उसके यूजर के इमेजिनेशन पे डिपेंड करती है, क्योंकि हम स्टार्टिंग से ही देखते आ रहे हैं कि लूफी अपने फ्रूट को बस एक गम गम फ्रूट समझ के चलता आ रहा है, इसलिए उसकी रबर के साथ में इमेजिनेशन काफी ज्यादा छूटी थी। लूफी को स्टार्टिंग से लगता था कि वो बस एक रबर मैन है और वो रबर वाली चीजें कर सकता है, जिसे गम गम बलून हो गया, गम गम पिस्तल हो गया, ऐसी बच्चों वाली चीजें वो सोचता था, इसलिए उसकी पावर जो थी उनका एक लिमिटेशन था। फिर उसके बाद जब लूफी गियर 5 में ट्रांसफर हुआ उसके बाद ही उसकी जो इमेजिनेशन थी वो कुछ ज्यादा ही बढ़ चुकी थी, इसलिए हमको लूफी इतने सारे कार्टूनिश मूव्स करते हुए दिख रहा था, जहाँ पर वो कुछ टाइम के लिए बड़ा हो जा रहा था, अपनी सराउंडिंग की जितनी सारी चीजें थी उन सबको रबर बना पा रहा था, और उसने काइडो को भी रबर बना दिया था। गियर 5 के अंदर ट्रांसफर होने के बाद में लूफी को एक तरीके से फ्रीडम मिल गया था, जिसकी उसे जो सारी चीजें अपने पुराने वाले गियर्स के अंदर करता था वो सारी की
सारी चीजें वो अपनी एक ही गियर के अंदर कर पा रहा था, जैसे एक बहुत ही बड़े वाले जायंट के अंदर ट्रांसफर हो जाना, लाइटनिंग को पकड़ना, या तक कि लूफी ने अपना हाथ इतना ज्यादा बड़ा कर लिया था जिसके सामने काइडो भी छोटा सा लग रहा था। और हम बजरंग गन को कैसे भूल सकते हैं, जहाँ पर वो अपने एनिमी के बिना कॉन्टेक्ट में है उसको डिस्ट्रॉय कर पा रहा था। चलो गाइज, लगता है मैंने कुछ ज्यादा स्पॉयलर दे दिया आज, लेकिन भाई बिना स्पॉयलर के लूफी के गियर फाइव को समझाना काफी ज्यादा मुश्किल है। तो होपफुली आपको आज का वीडियो पसंद आ गया होगा, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट किसी वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।